नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उमेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ। दोस्तों आज अपन बात करने वाले महिला सुपरवाइजर की, आप बुक से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें सिलेबस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आप हमें बुक्स बताएं कि कौन सी बुक्स हम स्टडी करें। तो दोस्तों अलग अलग चीज़ों को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। पहले तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई अपडेट्स मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहूं, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो और मेरी मेहनत पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर तो आप करेंगे। तो दोस्तों बात करने वाले हैं अपने महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड, उसके वीडियो की या फिर उससे वीडियो की जिसके आप वेट कर रहे थे कि सर आप हमें बुक के लिए कब बताएंगे। देखिए दोस्तों पहली बात मैं आपको बता दूं कि बुक से के बारे में आपको प्रेफर करने के लिए रिकमेंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैं आपको बुक्स के लिए बताने जा रहा हूं उस बुक के लिए मैंने किसी से कोई चार्जेज नहीं लिए। कई वेबसाइट पे बताते कि आप इससे खरीदिए आपको इतना प्रॉफिट होगा इतना लॉस होगा, मुझे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए हूं और आप लोगों को ये बताने के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो, उस ट्रस्ट पर बने रहने के लिए मैं आपकी ये हेल्प कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है अगर आप उस बुक को परचेज करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जो मेरा नॉलेज था और जो जहाँ तक मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप एग्ज़ाम की डेट को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। एग्ज़ाम आपकी फेब में ही होगी, फेब से थोड़ा आगे भले ही हो जाए लेकिन पहले नहीं होगी, लेकिन जहां तक है 98% ये फेब में ही होगी। अब दोस्तों आपको पता है कि महिला सुपरवाइजर का जो सिलेबस है थोड़ा सा लेंदी लगता है और उस चक्कर में अपन ये डरते हैं कि यार कौन तैयारी करेगा, कौन इतने लफड़े पालेगा, इससे अच्छा कि अपन कोई और प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको भी पता है इस टाइम पर और कोई वैकेंसी नहीं है, आपके पास फ्री टाइम है और आप अच्छी टाइम से अच्छे तरीके से उस चीज़ को टाइम दे सकते हैं। तो आपको पता है कि इसमें सिलेबस कितना लेंथी लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री है, कल्चर है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें चलती है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स भी है। इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं अलग अलग बुक्स को अपन छानेंगे। मैं भी ये मानता हूँ कि आप उस बुक्स को अलग अलग पढ़िए, लेकिन कब? जब आपको उस चीज़ का नॉलेज हो, आपको कम से कम एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे अगर इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है तो कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मुझे अगर हिस्ट्री लेके चलना है, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री लेके चलना है तो वर्ल्ड में से बहुत सा बड़ा हिस्ट्री है, वर्ल्ड का कोई छोटा सा नहीं कि जिसको आप लेकर के चुटकियों में पूरा कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया था उसको देख करके अपन को कुछ समझ में नहीं आता। तो पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि अलग अलग बुक से आप बाद में पढ़िएगा, पहले आप एक कॉमन बुक लेकर के चलिए जिस बुक को लेकर के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उस बुक के लिए मैं आज बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों अलग अलग बुक्स कहूँ, जैसे आप अलग अलग लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब लेंगे आप जब आपको हर एक सब्जेक्ट का ये पता चलेगा कि ये टॉपिक पढ़ना है। अगर मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई अगर मैं पढ़ रहा हूँ, और मान लीजिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है या नहीं है, लेकिन अगर उस टॉपिक में है ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग में मैं जो टॉपिक कर रहा हूँ वो मेरे सिलेबस में नहीं है, तो क्या मतलब है? दोस्तों मेन चीज़ वो नहीं होती कि आप कितनी देर पढ़ते हैं, मेन चीज़ ये होती है कि आप कितनी देर में क्या पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ होती है। अगर 10 घंटे पढ़ के भी अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 1 घंटे पढ़ाई की लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है जो आपको वहाँ तक लेके जाता है जहाँ आप जाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बुक्स के लिए बता रहा हूँ आपको कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों इस चीज़ को लेकर के मैं आपको ये बुक रिकमेंड करता हूँ कि आपने दक्ष पब्लिकेशन की बुक पढ़ी होगी, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ रख रहा हूँ, जिसके लिए ये बुक देखिए दक्ष पब्लिकेशन की जो महिला पर्यवेक्षक के लिए है, इसमें आपको अच्छे से हर एक चीज़ आप देख सकेंगे, आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी सारी डिटेल्स अंदर जो भी है मैं आगे आपको थोड़ी देर में जो आगे आपका लिंक आएगा उसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी, इसमें सिलेबस कैसे दे रखा है, क्या दे रखा है और इसी बुक को पढ़ने का फ़ायदा क्या है। ठीक है दोस्तों, ये कोई ज़बरदस्ती है नहीं, या मैंने कोई इन चीज़ों से या दक्ष पब्लिकेशन ने मुझे ये कहा है नहीं कि आप हमारी बुक बिकवाइए, आप लोगों की डिमांड पे मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, शायद दिख रहा होगा आपको क्लियरली। ठीक है, आप इस चीज़ का नोटिफिकेशन या सॉरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से दिख रहा है। अब देखिए मैं बात करता हूँ इसके अंदर, इस बुक के अंदर आपको अच्छे से ये जो महिला प्रयोगशक का है इसमें पूरा सिलेबस आपको अच्छे से दिया हुआ है, एक एक चीज़ आपको बता रखी है, जो कि मैं इसका स्क्रीनशॉट शो कर दूंगा, आगे देखिएगा।
इसमें जो चीज़ है देखिए विशेष सूची इसकी जो दे रखी है, विशेष सूची के अंतर्गत अपन बात करते हैं। विशेष सूची में देखिए इसका एक एक पार्ट आपको बताया हुआ है, एक एक पार्ट को अगर आप लेके चलते हैं, देखिए आगे अगर अपन लेके चलते हैं तो इसमें राजस्थान का साहित्य कला संस्कृति ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग चीज़ें दी हुई है। और इस बुक में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप इसी बुक्स को क्यों पढ़ें, सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर मार्केट में बुक्स तो काफ़ी है तो हम इसी बुक्स को क्यों पढ़ें, क्या स्पेशलिटी है। देखिए दोस्तों पहली बात तो एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप किसी से बात करते हैं वो आपसे किस लहजे में बात कर रहा है, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अगर वो आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहा है तो आप उससे बात करना पसंद करेंगे, राइट और रॉन्ग, ये बात सही कह रहा हूँ ना मैं। दूसरी बात, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन आप दो न्यूज़पेपर आपके पास आते हैं, ठीक है, आप भास्कर लीजिए और पत्रिका लीजिए, आप दोनों पेपर को रखिए, आपको कौन सा पेपर अच्छा लगता है जनरेशन के अकॉर्डिंग आप खुद एनालिसिस करके चलेंगे, क्योंकि आप पहले पेपर की फॉन्ट साइज जरूर देखेंगे। कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, पढ़ना तो दूर की बात है, इंटरेस्ट अलग बात है, पहले वो उस चीज़ के नज़दीक तो आप जाइए। पहली बात, इस जो बुक की है वो लैंग्वेज बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। दूसरी बात, इस चीज़ को जो डिस्क्राइब किया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को। इनको अगर आप इसकी बुक लेना चाहो तो एक अलग से भी जीके की बुक आती है, छोटा पार्ट और आता है जो 80 से 90 रुपये का आता है, वो भी आप ले सकते हो, डक्स पब्लिकेशन की बुक आती है। लेकिन इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, इस बुक्स में आप एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए। पहले मान लीजिए इस बुक को आपने 2 बार कीजिए, देखिए दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, आप 10 बुक को एक एक बार पढ़ लीजिए, एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, सबसे बड़ी फायदे वाली बात वो होगी कि आपने एक ही चीज़ को 10 बार अगर ध्यान दिया है ना तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियरली कर पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस बुक को आप 2 बार पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा है, 2 बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप किसी भी बुक को उठा के चलेंगे ना, किसी बुक को, क्योंकि इसमें सफिशियंट मैटर दे रखा है, आप फिर अलग बुक को लेके चलेंगे, फिर आप किसी चीज़ की तैयारी कीजिए। आपको YouTube में काफ़ी ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो बुक से आपको कोई भी क्वेश्चन बताते रहेंगे, आप उनको पढ़ने से इस बुक पे ध्यान दीजिए ना। फिर अगर आप लोग चाहेंगे कि सर इससे रिलेटेड आप टेस्ट सीरीज बनाइए, तो मैं हो सकता है इसी में से आपको क्लियर कराता जाऊँ इसी क्वेश्चंस को, क्योंकि जो आप बुक में नहीं पढ़ पाएंगे अगर साथ के साथ अपन साथ में चलेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, और भी मज़ा आएगा। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हर एक टॉपिक से, हर पार्ट से, जो किस एग्जाम में कितने कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, उसकी मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं ये चीज़ मैं करूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों की डिमांड क्या है। और दूसरी बात, मैं रीजनिंग का जो इसमें पार्ट है, रीजनिंग के मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ तक टाइमिंग का रहेगा 8 से 10 के बीच में जो टाइमिंग होगा, आप मुझे टाइमिंग के लिए सजेस्ट कर दीजिएगा कि टाइमिंग आपके लिए क्या रखी जानी है, ठीक है दोस्तों, तो आप टाइमिंग के लिए मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा। दूसरी बात, जीके के भी जो आपके जो टेस्ट सीरीज चालू करूंगा उसमें जितने भी वीडियो होंगे मैं बना करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता ये बुक्स आप परचेज कीजिए, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है, आप अलग अलग बुक्स के चक्रों में आप पहले तो सिलेबस ढूंढेंगे फिर आप पढ़ाई करेंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा, तो टाइम को गंवाइए नहीं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर बोलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।